बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन, मैं हूँ आपके साथ वकास खान और हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी के, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले मंथ जो फ्रेंड्स 21 से लेकर 29 सितंबर तक जो है वो इसके टेस्ट लिए गए थे, और इसके टेस्ट जो है वो एनटीएस ने लिए थे। तकरीबन फ्रेंड्स इसकी टोटल 24 या 5 ऐसी वैकेंसी थी जिसमें जो है वो एनटीएस ने इसके टेस्ट को कंडक्ट किया था। तो इसके जो अब रिजल्ट्स का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, तो आपने रिजल्ट्स को कैसे चेक करना है ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो से अपडेट्स मिलती रहें बिना किसी तकलीफ के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, हो सके तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल में और वहां पर आपने सर्च कर लेना जी एनटीएस। जैसे ही आप एनटीएस लिखकर इंटर करेंगे तो आपके सामने यहां पर एक रिजल्ट्स का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगी। फ्रेंड्स एक और बात आपको बता दूं कि आपके जो पंजाब फूड अथॉरिटी में जिस पोस्ट के लिए टेस्ट था और आपके कितने मार्क्स आए हैं तो वो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताने हैं, ताकि फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन के लिए पता चल जाए कि आपके जो है वो कितने मार्क्स आए हैं। और आपने ओवरऑल नंबर भी बताने हैं, मतलब कि टोटल अगर 100 थे तो उसमें से आपके जो है वो कितने मार्क्स आए हैं। तो इसके फ्रेंड्स तकरीबन जो है वो 70 मार्क्स का तकरीबन टोटल पेपर था, जो कुछ पेपर्स थे तो कुछ के फ्रेंड्स 100 के भी थे, तो वो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना है कि इस तरह से हमारा जो है वो टेस्ट हुआ है और हमारे इतने मार्क्स आए हैं और कौन सी जो वो पोस्ट थी। तो सबसे पहले तीन नंबर पर अगर आप देखें तो पंजाब फूड अथॉरिटी स्क्रीनिंग टेस्ट, और इसकी टेस्ट डेट भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक हर फॉर रिजल्ट्स, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रेंड्स इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर लिख देना है डैशेस के बगैर। और ये जो नीचे कोड आ रहा है फ्रेंड्स, आपने ये वाला नहीं लिखना, बल्कि आपके पास एक नया कोड आ रहा होगा इसी तरह का, तो वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। और लिखने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है तो आपका रिजल्ट्स आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट्स को चेक कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।